एंगल्स में है ना, यहाँ पर जो बातें चलती है यही है ग्रेप फाइट। इसमें कई बार सांप का ट्रांसफर हो जाता है, कई बार सांप का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, कई बार जो है लोगों के अफेयर एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, है ना, कई चीजें हो जाती है। लेकिन ग्रेप वाइन को अगर हम ठीक से समझे तो ये ग्रेप वाइन अपने आप में एक मैनेजमेंट टूल भी है, फीडबैक के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ बताइए भाई, मैं यही कहना चाह रहा था, मैनेजमेंट टूल कैसे है, फीडबैक के लिए भी यूज किया जा सकता है। कैसे सर? मतलब यदि कोई जानना चाहता है कि संस्था में क्या चल रहा है तो यूज किया। हाँ मान लीजिए आप कोई नई, अभी आप चेंज मैनेजमेंट पढ़ा था हमने, मान लीजिए आप कोई चीज चेंज करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो कई मैनेजमेंट ऐसा करते हैं कि उस चेंज का की ग्रेपवाइन थोड़ा सा फैला देते हैं, पहले ही उछाल देते हैं, और ग्रेपवाइन कॉरिडोर्स के थ्रू एम्प्लॉइज के पास पहुंच जाती है और दे स्टार्टेड रिएक्टिंग ऑन इट। वो आपस में रिएक्शन देते हैं तो उससे मैनेजमेंट को फीडबैक मिल जाती है कि ज्यादातर लोगों का क्या रुख इस पॉलिसी स्टेप के प्रति क्या है। सेहत पे कमीशन में 55 साल की उम्र हो जाएगी रिटायरमेंट की, और यादव जिसने 38 साल नौकरी कर लिए 33 साल उसे रिटायर कर दिया जाएगा। सुना था ऐसा? ये क्या है अभी तक? अभी तक ग्रेप वाइन है, छपके तो नहीं आया ना, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स जो मैनेजमेंट वाले यूज करते हैं। ग्रेप वाइन बड़ा पावरफुल टूल है, तो ये भी हम लोग करते हैं। और इसमें यह होता है कि कंट्रोल का मतलब यह है कि वंस इट हैज बीन स्टार्टेड मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर चली जाती है एक बार, इसका ये रिस्क भी है। और इसी तरह से रिलायबिलिटी जो है इसको लोग रिलायबल ना होते हुए भी बहुत रिलायबल मानते हैं, लगभग सब मानते हैं कि 55 साल की उम्र होने वाली है रिटायरमेंट की और या लेंथ होने वाली है, अभी भी लोग के अंदर यह है। और इसी तरह से एक और खास बात है कि जितनी भी ग्रेप वाइन होती है ये रिलायबल, ये सेल्फ इंटरेस्ट से पोषित होती है, लोग इसमें अपने अपने इंटरेस्ट से बातों को जोड़ते जाते हैं और उसका स्वरूप चेंज कर देते हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो ग्रेप वाइन को अगर कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को रोकना है तो एक तो है कि इम्पोर्टेंट डिसीजन हमारी कब कब कौन कौन से डिसीजन होंगे इसका कोई टाइम टेबल हम अनाउंस कर दें तो रूमर्स नहीं फैलेगी, हाँ कि टाइम फ्रेम क्या है। इसी तरह से डिसीजन बिहेवियर्स जो इनकंसिस्टेंस है या सीक्रेटिव है उसको भी व्याख्या करते हैं मैनेजमेंट, ये नहीं चलेगा। इसी तरह से इम्प्रेसाइज द डाउन साइड एज वेल एज द अपसाइड ऑफ करंट डिसीजंस एंड फ्यूचर प्लान्स, क्या अपसाइड है और क्या डाउन साइड है, अगर ये सब चीजें हम अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये संभावनाएं कम हो जाती है। एज ओपनली डिस्कस वर्स्ट केस पॉसिबिलिटीज, वर्स्ट केस भी हो तो उसको भी डिस्कस करने में संकोच नहीं करना चाहिए, तो ये इसका इम्पैक्ट जो है काफी कम हो जाता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो अभी हम इस सेगमेंट पे यहाँ पर रोके। और एक इम्पोर्टेंट गेम है, इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक गेम। अभी तक जो भी चल रही है ऑल आर डायनेमिक गेम, डायनेमिक इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई स्टैटिक नहीं है, ऑल आर एक्टिव, हाथ पैर दिमाग सब कुछ कार्यरत रहता है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी ये जो सब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये आखिरी डायनेमिक एक्सरसाइज होगी और शायद आप लोग इसको सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो उसके लिए हमारे पास में 3 टीम्स चाहिए, 3 ग्रुप्स ऑफ प्लेयर्स चाहिए और हर ग्रुप में 5-5 करके रहते हैं, तो 15 प्लेयर्स चाहिए, बाकी लोग ऑब्जर्व करोगे, तो 15 लोग जरा हाथ उठाए, 15 प्लेयर्स यही कमरे के अंदर इंडोर गेम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 6 और 6 हाथ उठा के रखिए, उठा के रखिए और 6, क्या हिम्मत नहीं हो रही क्या? ये सिंपल गेम है, ऐसे डालने वाली नहीं है, बैटिंग नहीं करनी है यहाँ। हाँ जी तब तो फिर हमें फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है कि जो खेलेंगे जितना आनंद होगा, जो देखेंगे उतना ही आनंद होगा, और किसी को हम सीग्रीगेट नहीं करेंगे कि बरेंडा में इंतजार करो, इसमें वैसे नहीं होगा, तो डोंट फियर। तो इसमें थोड़ा सा हमको सेटअप अरेंज करना पड़ेगा, 5 प्लेयर सर्कुलर वे पे बैठेंगे, जिन्होंने हाथ उठे